आज हम बनाने जा रहे हैं बेस्ट लोडेड नाचोस, जिसमें चिप्स के क्रंच के साथ वेजीज का फ्लेवर और चीज का क्रीम फ्लेवर एक ही बाइट में बहुत बढ़िया स्वाद देने वाला है। Hey foodies, welcome to Ashima's Kitchen. चिप्स तो हम सब खाते हैं, पर क्या कभी नाचोस ट्राई किए हैं? ये सालसा या फिर चीज़ी डिप के साथ सर्व किए जाते हैं। आजकल जब भी हम बच्चों के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं और उन्हें ऑर्डर के लिए पूछते हैं, तो सबसे पहले उनके जबान पे आते हैं नाचोस। ये बहुत ही ट्रेंडिंग और हॉट सेलिंग डिश हो गई है। तो वेट किस चीज का, चलो इसको घर पे बनाना सीखते हैं। ये लोडेड नाचोस बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल आशिमास किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि मेरे वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको झटपट मिल जाए। इस वीडियो के अंदर मैं नाचोस के ऊपर डलने वाली जो चीजी क्रीम होती है उसकी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप वो चीजी क्रीम बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो बनाते हैं लोडेड क्रीमी चीजी नाचोस। लोडेड नाचोस बनाने के लिए मैंने लिए हैं नाचोस यानी कि टोर्टिला चिप्स। ये इस तरीके से ट्राइंगल शेप में आते हैं और मार्केट में बहुत ही इजिली मिल जाते हैं। इन्हें हम अपनी बेकिंग ट्रे में स्प्रेड कर लेंगे, यानी कि इनको इस तरीके से फैला लेंगे कि ये पूरे बेस को कवर कर ले। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे अपने वेजीज। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ चॉप्ड अनियन। इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज अनियन को चॉप कर लिया है। नेक्स्ट मैं डालूंगे कैप्सिकम। यहाँ मैं ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम एंड येलो कैप्सिकम तीनों डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। जब आप नाचोस की ड्रेसिंग कर रहे होंगे तो इन द मीन वाइल आप अपने अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट पे लगा दें। कैप्सिकम हमारी डल गई है। नेक्स्ट हम अपनी ड्रेसिंग में डाल रहे हैं टमाटोज। एक मीडियम साइज टमाटो को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ऑलिव्स। ये कैंड ऑलिव्स हैं जिनको मैंने गोल गोल काट लिया है। और उसके बाद स्प्रिंकल करेंगे हम एल्पिनोस। सभी वेजेस को स्प्रिंकल करने के बाद ऊपर से डालेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोजरीला चीज। मोजरीला चीज की हम एक कवरिंग कर देंगे अपने वेजेस और नाचोस के ऊपर। मोजरीला चीज स्प्रिंकल करने से हो जाएगी हमारे नाचोस की एक लेयरिंग खत्म, क्योंकि ये लोडेड नाचोस हैं, तो एक लेयरिंग नीचे और एक लेयरिंग ऊपर तो बनती ही है। अब हम दोबारा से अपने नाचोस को इस चीज के ऊपर फैला के स्प्रेड कर लेंगे और ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे वही वेजीज जो हमने पहले डाली थी, अनियन, कैप्सिकम। कैप्सिकम मैं दोबारा तीनों डाल रही हूँ, ग्रीन, रेड एंड येलो कैप्सिकम, टमाटोज, ऑलिव्स। आप इसके अंदर कॉर्न्स भी डाल सकते हैं। और लास्टली एल्पिनोज। दोबारा से हमारी सेकेंड लेयर की वेजीज स्प्रेड हो गई हैं। अब ऊपर से हम दोबारा से स्प्रिंकल करेंगे मोजरीला चीज। जो मार्केट में हार्ड चीज आता है आप वो भी ग्रेट करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि अवन हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड प्री हीट पे लगा दिया था पहले ही, तो अवन हमारा इस टाइम तक गर्म हो गया होगा। अब हम ऊपर स्प्रिंकल करेंगे अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसको हम फैला के डालेंगे ताकि हर तरफ से बराबर सॉल्ट गिर जाए। सॉल्ट डालने के बाद हम डालेंगे इटालियन सीजनिंग। मैं यहाँ पे ओरिगैनो स्प्रिंकल कर रही हूँ नाचोस के ऊपर। और अब अपने नाचोस को 20 मिनट्स के लिए अवन में बेक कर लेते हैं। इन द मीन वाइल हमारे नाचोस बेक हो रहे हैं, हम बना लेते हैं अपनी चीज सॉस। उसके लिए एक पैन के अंदर लेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। बटर को हम मेल्ट कर लेंगे और जैसे ही बटर हमारा अच्छे से पैन के अंदर मेल्ट हो जाएगा, उसके अंदर डालेंगे अपना दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि है ऑल पर्पज फ्लावर यानी कि मैदा। मैदे की मैंने 2 टेबलस्पून ली है। बटर और मैदे को हम विस्कर से अच्छे से तेज तेज चला के मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर लंप्स ना आए। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि मैदा हमारा भुन भी जाए और ये जले भी ना। एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि बटर और मैदे की कंसिस्टेंसी हमेशा बराबर रखें। अगर आपको ज्यादा सॉस बनानी है तो उसी मात्रा में दोनों मैदे और बटर को इक्वली बढ़ा दें।
जैसे ही मैदे की खुशबू आने लगे इसके अंदर डालेंगे हम अ पिंच ऑफ हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर और अ पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर यानी कश्मीरी लाल मिर्च। ये डालने से हमारी सॉस का कलर और टेस्ट दोनों एनहांस होते हैं। इनको हम फिर से स्पैचुला से अच्छे से मिला लेंगे और इसको एक मिनट तक पका लेंगे जिससे कि हल्दी अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम दूध। दूध को हमें धीरे धीरे डालना है और जैसे हम डालेंगे हमें उसे तेज तेज चलाना है ताकि जितने भी लम्स बने हमारी सॉस में वो टूट जाए। धीरे धीरे हम और दूध डालेंगे और अपने विस्कर से तेज तेज उसको चलाते रहेंगे। देखते ही देखते हमारे सारे लम्स खत्म हो जाएंगे और हमारी सॉस एक बहुत ही स्मूथ टेक्सचर ले लेगी। बाकी का सारा दूध भी हम अब डाल देंगे और विस्कर से इसको चलाते रहेंगे। जब तक हम दूध डाल रहे हैं विस्कर चलाना बंद नहीं करना, इसको तेज तेज लगातार चलाते रहना है जिससे कि हमारी चीज सॉस की कंसिस्टेंसी काफी अच्छी आएगी। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं अपनी शेडर चीज। आप चाहें तो नॉर्मल व्हाइट वाली चीज भी डाल सकते हैं, ये ऑरेंज वाली चीज कुछ स्पेसिफिक नहीं है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। और इसको भी विस्कर से तेज तेज चलाकर मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम हम इस टाइम पे मीडियम हाई कर लेंगे जिससे कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से चीज़ हमारी अच्छे से पिघल जाएगी। बट हाँ, आप चीज़ को चलाना मत छोड़ना। अगर आप उसको चलाना छोड़ देंगे तो डर रहेगा कि ये नीचे लग ना जाए और जल ना जाए। अब हम स्प्रिंकल करेंगे अपनी चीज़ के अंदर 1/2 teaspoon सॉल्ट और उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको लगे आपकी चीज़ गाढ़ी हो रही है तो उसके अंदर आप दूध और डाल सकते हैं। फ्लेम मैंने अब ऑफ कर दी है और पैन मेरा काफी गर्म है तो बाकी की चीज अभी अपने आप मेल्ट हो जाएगी। नाचोस को ओवन में रखे हुए भी 20 मिनट हो गए हैं तो उनको निकाल लेते हैं और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेते हैं जो अभी हमने बनाई है चीजी सॉस। ये लोडेड नाचोस लग रहे हैं शानदार, क्योंकि इसके अंदर 2 लेयरिंग है तो चीज और वेजीज का क्रंच इसके अंदर भरपूर आने वाला है। लोडेड नाचोस हमारे बनके तैयार हैं। चलो इनको टेस्ट करते हैं कि ये बने कैसे हैं। नाचोस की क्रंचीनेस और चीज की क्रीमीनेस, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो आप ये इन लोडेड नाचोस को घर पे बनाने का ट्राई जरूर करना। ये बहुत ही सिंपल है और अगर आप इसी तरह की मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल आशिमास किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।